यूट्यूब में कुछ लोगों का क्वायरीज ये भी है कि मैंने अपने एयरटेल के सिम में कॉलर ट्यून तो सेट कर लिया, पर उसे हटाएंगे कैसे। तो अगर आप अपने एयरटेल के सिम में एक्टिवेट कॉलर ट्यून को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन कुमार है और ओनली टेक लाइफ सेट के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एयरटेल में सेट हुए कॉलर ट्यून को डीएक्टिवेट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप जिस ऐप की मदद से कॉलर ट्यून लगाए थे, यानी कि बिंक म्यूजिक, उस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर राइट साइड में एक म्यूजिक का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे ही कीजिएगा, आपके एयरटेल नंबर पे जो कॉलर ट्यून अभी एक्टिवेट होगा वो शो करने लगेगा। और आपको इस कॉलर ट्यून को डीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर एक थ्री डॉट नज़र आ रहा होगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा स्टॉप हेलो ट्यून को, तो आपको स्टॉप हेलो ट्यून पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अगेन स्टॉप हेलो ट्यून, नीचे वाला स्टॉप हेलो ट्यून पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप डन पे क्लिक कीजिएगा, देखिए आपके एयरटेल नंबर पर मैसेज आ गया है कि हेलो ट्यून सर्विस हैज़ बिन स्टॉपड ऑन योर एयरटेल मोबाइल। तो इस तरह आप अपने एयरटेल में सेट हुए कॉलर ट्यून को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।